नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। इस वक्त आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। पैरों में छाले, माथे पर पसीना, तपती गर्मी में मुश्किल हुआ जीना। घर से दूर सड़क पर मजबूर, भूख क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, कोई उन लाचार मजदूरों से पूछे। एक मजदूर ने अभी हाल ही में कहा था कि अब ट्रेन बस की व्यवस्था कब होगी ये तो भगवान ही जाने। हम लोग तो फंसे ही हैं, आगे का रास्ता निकाल ही लेंगे, कोई ना कोई हल तो हम निकाल ही लेंगे, और इतना कुछ जो हम झेल रहे हैं इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। कोई बात नहीं, यह दुख की बात तो है ही है, हम किसी ना किसी तरह अपने घर को तो पहुंच ही जाएंगे। और आपको ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें मौत से भी बदतर जिंदगी की तस्वीरें हैं। ये कोरोना से तड़पते हिंदुस्तान की वह तस्वीरें हैं जो किसी के भी कलेजे को छल्ली कर दे। बेहतर जिंदगी के लिए जिन मजदूर ने शहरों में कदम रखा, जो शहरों की चमकती दमकती जिंदगी के पीछे अपनी मेहनत लगाते गए, अपना खून पसीना एक कर दिया, आज वही मजदूर पैदल जाने को क्यों है मजबूर। किलर कोरोना ने कोहराम क्या मचाया, शहरों ने मजदूरों को बेगाना कर दिया। लॉकडाउन ने मजदूरों का रोजगार तो छीना ही छीना, वहीं रोजी के साथ रोटी पर भी संकट आ गया। भूख की प्यास ने मजदूरों को बेबस कर दिया है। आंसू अब सूख चुके हैं, सांसें कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं। आखिर क्यों मजदूरों की मजबूरी पर सियासत छिड़ी हुई है। सरकार का यह सरेंडर मजदूरों के लिए बवंडर बन गया है। उनकी मजदूरी हर एक तरफ से खत्म हो चुकी है, हर एक तरफ से उनका रोजगार खत्म हो चुका है, और उनकी मजबूरी से सिर्फ एक ही दर्द, एक ही आवाज आ रही है कि बाहर महामारी है, घर में भूखमरी है, जाए तो जाए कहाँ। सरकार ने तमाम इंतजाम तो किए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो कमी रह गई है, तभी तो ऐसा हो रहा है। मजदूर क्यों पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनका पलायन क्यों थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ना ही उनके पास पैसा है, ना ही उनके पास खाना है, इसके अलावा उनके पास, पलायन के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे अभी सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या आपके पास दिन भर बस यही टाइम है, राष्ट्रीय को कब आप संबोधित करेंगे, आप कब क्या करेंगे, आप बढ़ाने वाले हैं क्या, आप करने वाले हैं, बस यही सूझ रहा है। और बहुत दुखी हूँ मैं ये सब कहते हुए। खैर, ऐसे ही न्यूज़ के लिए, ऐसे ही मुद्दों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें।